अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो देखिए रमज़ान कितना अच्छा लग रहा है, सब तैयारियाँ हो रही हैं। रमज़ान आप लोग कैसे गुजर रहा है मुझे कमेंट्स में बताएं। और आज आप लोगों का कौन सा रोज़ा है? हमारे यहाँ तो आज चौथा रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार रेडी हो रही है। यहाँ पर मैंने चने बना रही हूँ छोले, तो इसको मैम बस थोड़ा सा फ्राई कर लें, पका लेंगे। और यहाँ पर मैंने चिकन पॉकेट्स बना के फ्रीज किए हुए थे, उनको निकाल रही हूँ और उनको भी फ्राई करूँगी। और यहाँ अंगूर है, अंगूर यहाँ बहुत मज़े के, बिल्कुल जामुन का टेस्ट था। जामुन याद आ रहे थे बट अभी यहाँ तो जामुन का मौसम आया नहीं है, तो यहाँ पर अभी मिल नहीं रही सर्दियों में, बाकी जब देखेंगे इंशाल्लाह मिलती है नहीं। और यहाँ पर सब बैटर्स तैयार हैं, समोसे का, अंडे पकोड़े का और जो है पकोड़ों का, धनिया की दाल के पकोड़े बने वो सब, उसके सब के बैटर तैयार हैं। बस फ्राई करूँगी, फ्राई करने का मेरा काम, बस मैं फ्राई करने ही जा रही हूँ। और अंगूर मैं देख रही थी कि हाँ साफ़ करना है, धोना है, तो मैं निकाल रही थी कि और कितने अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे हम फ्रूट सैलेड बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेब को यहाँ पे अच्छे उसको मतलब छिलका उतार लेंगे। और यहाँ फ्राई के लिए तेल भी रख दिया है, बस अब फ्राई करना है। और यहाँ मैं छोलों को रख रही हूँ टेबल पर, और जो है यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए हैं, बस वही लेके जा रही थी कि जो है ना उसके लिए सैलेड्स के लिए। और चाट बनाएंगे, बहुत मज़े की बनती है चाट, और इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ। यहाँ मैंने खजूर भी रख दी है वॉश करके। और जो है बाकी ये कि आप लोग बताएं कि आप लोग का रमज़ान कैसा गुजर रहा है, आप लोगों ने क्या क्या बनाया रमज़ान में और आपके क्या स्पेशल बनता है। और हमारे देखिए आलू के पकौड़े बना रही थी, ये सब बस एक पकौड़ों का बैच फ्राई होकर निकल गया। अब चिकन पॉकेट चल रही हूँ, पूरी रेसिपी नहीं दे पा रही हूँ अभी क्योंकि रमज़ान में बहुत काम होते हैं और बिल्कुल वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। बाकी बस अफ्तार का टाइम हो गया, रमज़ान नमाज होने अजान होने वाली है, तो अफ्तार के लिए यहाँ दस्तरखान पे आ चुके हैं। और बाकी मेरी वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब।